हैदरपुर पुलिस ने चुनावी व्यवस्थाओं के बावजूद कुछ दिन पूर्व हैदरपुर के निकटवर्ती ग्राम मसीद में चोरी हुए ट्रक पर काम करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। SSP जगदीश चंद्र ने बताया कि ग्राम मसीद में कुछ दिन पूर्व एक ट्रक चोरी हो गया था, जिस पर एक FIR लिखने के बाद हैदरपुर पुलिस ने बड़े अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह को पकड़ा है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा 2 अभी फरार चल रहे हैं। 20 सितंबर को तौफीक अहमद मसीद निवासी, उनका एक दशहरा ट्रक चोरी चला गया था। 21 तारीख को थाना हैदरपुर में इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई। इसकी खोजबीन के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना हैदरपुर के जो थाना अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में SSP की टीम थी, स्थानीय हमारे उप निरीक्षक और कुछ तेज तर्रार कॉन्स्टेबल इस पर लगाए गए। पुलिस टीम को इसमें कुछ क्लू मिले और इस टीम के द्वारा उत्तराखंड के अलावा बाहर के राज्यों में भी ताबड़तोड़ दबिशें दी और अंततः इनको सफलता मिली। 2 अभियुक्तों को इसमें अभी गिरफ्तार किया गया है, जो कि गालिब नाम है जिसका और दूसरा सुमित है। इनके द्वारा यहाँ से ट्रक चोरी करने के बाद विकासपुरी ले जाया गया, जहाँ पे इन ट्रकों को काट दिया जाता है। इस ट्रक का भी वहाँ पे काट छाट हो गई थी, एक इंजन बरामद किया है। साथ में ही इनके जो पार्ट्स बेचे गए थे उसके 5 लाख रुपए भी इन अभियुक्तों से बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि इनके 2 अन्य साथी, जिनका की नाम आबाद खान और शहजाद है, वो किसी मामले में मुजफ्फरनगर जेल में चले गए हैं, अंदर चले गए हैं, उनको वारंट बी पे लिया जाएगा। साथ में ही इनको खरीदने वाले जो विकासपुरी के जोगी और जित्तू हैं, ये अभी फरार चल रहे हैं, पुलिस इनकी गिरफ्तारी भी जल्दी सुनिश्चित करेगी। एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कि UP, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली आदि जगहों से ट्रकों की चोरी करते हैं और उसके बाद आगे बेच देते हैं। पुलिस टीम का ये बहुत अच्छा कार्य रहा है और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें कई थानों की पुलिस लगी हुई थी इस गिरोह के पीछे, लेकिन हमारी टीम इसमें सबसे आगे रही और उनके द्वारा अंततः इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और इसमें माल बरामद किया गया। टीम के उत्साहवर्धन के लिए 1500 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है।